आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। रामपुर आम आदमी पार्टी की जिला कार्यालय पर आपके छात्र संगठन CYSS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे, लखनऊ जिला अध्यक्ष श्री कटियार, प्रदेश सचिव अजीम खां पहुंचे, जहां एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग को संबोधित करते हुए वंशराज दुबे ने कहा, सत्ता में आने से पहले देश के नौजवानों को हर साल 13 लाख नौकरियां देने की बात करती थी। प्रदेश में जंगल राज से भी बदतर स्थिति हो चुकी है। आम आदमी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला ने कहा, उत्तर प्रदेश में रेप, हत्या और भ्रष्टाचार की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं पर देशद्रोही जैसे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। रामपुर प्रभारी एवं प्रदेश सचिव अजीम खान, महिला अध्यक्ष नरगिस खान, जिला महासचिव जुल्फोका दुर्गे, प्रदेश सरकार की नाकामियों पर जोरदार हमला बोला। कार्यक्रम का संचालन रामपुर जिला अध्यक्ष रयान खान, इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष शहजादे अली अंसारी, प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अविनाश तपन, जिला सचिव पप्पू अंसारी, मिलक विधानसभा अध्यक्ष हुमायूं लाला। देखते रहिए इंडिया आज तक लाइव चैनल, बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नूर खान के साथ डॉक्टर नासिर सूरी, मुरादाबाद मंडल प्रभारी। नमस्कार, आदाब। जो घटना हुई है, दलित परिवार की एक बच्ची 19 साल की थी, उसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया गया बल्कि उसके गले की हड्डी को तोड़ा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया, उसकी जबान को काटा गया। और उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये बात मालूम करने में 9 दिन लग गए कि इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी के लोग जब हथियारों और बलात्कारियों के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए जाते हैं, देशद्रोह जैसी धाराएं लगा दी जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज अपराधियों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि वो न तो पुलिस से डर रहे हैं, न सरकार से डर रहे हैं, बल्कि हद तो तब हो जाती है कि जब कानपुर के अंदर 8-8 पुलिस वालों को एक बदमाश जान से मार देता है। इस सब व्यवस्था के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज जंगल राज कायम है, आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है और ये डिमांड करती है कि उस बच्ची के परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, साथ ही उसके घर में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी पर रखा जाए। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी दुबे साहब आज लखनऊ से रामपुर आए हैं। आम आदमी पार्टी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष कर रही है, गरीब मजलूमों की आवाज़ को बुलंद कर रही है, वो आपको बताएंगे कि आगे हमें किस तरीके से इस प्रदेश के अंदर काम करना है। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए अपने मेहमान से कहूँगा कि ये CYSS के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपसे बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में आम आदमी पार्टी की जो छात्र विंग है CYSS, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। हमारे तमाम पदाधिकारियों से बातचीत हुई कि जो सरकार 2017 में जब ये सरकार सत्ता में आई थी और उसके पहले 2014 में इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात नौजवानों से कही थी, उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों से। योगी आदित्यनाथ जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने 13 लाख नौकरियां देने की बात उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कही थी। लेकिन आज आपको जानकर शर्म आएगी कि 2016 से लेकर 2020 तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 से लेकर लगभग 19 से 20 ऐसी भर्तियां हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं। 60 से 70 लाख नौजवान इस सरकार से रोज ट्वीट के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहा है। उसके ऊपर ये सरकार बर्बरतापूर्वक लाठियां चला रही है। वो नौजवान इतनी अवसाद में हो चुका है कि जिसने अपने घर से दूर जाकर एक बोरी आटा एक बोरी चावल में, जिसके माँ बाप ने अपना खेत गिरवी रख दिया, अपना गहना गिरवी रख दिया, 5 साल 6 साल उसको एक तरीके से तैयारी करवाया,
और उस नौजवान को आज सरकार ठगने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, छोटी छोटी मासूम मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, चाहे वह जौनपुर की घटना हो, चाहे वह लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे रायबरेली की घटना हो, चाहे रामपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, सुबह सुबह जब आप अखबार खोलते हैं तो आपको ये दो चार खबरें आपको जरूर मिल जाएंगी। इन तमाम मसलों को लेकर आज रामपुर में हम तमाम अपने साथियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी जो लगातार इस मुद्दों को लेकर, जब उत्तर प्रदेश एक तरीके से विपक्ष विहीन हो गया है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आदरणीय संजय सिंह जी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आए दिन इस तानाशाह सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, उसके ऊपर मुकदमा करने का काम कर रहे हैं। इस आवाज को हम रामपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में और कितनी मजबूती से बुलंद करेंगे, उसको लेकर यह बैठक थी। ये सरकार जो कोरोना की वैश्विक महामारी में दलाली खाने का काम कर रही है, 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदने का काम कर रही है, 1,700 का थर्मामीटर 12,000 में खरीदने का काम कर रही है, उसी ऑक्सीमीटर को आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता गांव-गांव अपने पैसे से लोगों के बीच में उपलब्ध करा रहा है। तो जो ये पूरी बर्बाद व्यवस्था है, जहां पे एक जातियों को देख के कार्रवाई होती है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की 24 करोड़ लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए ये हमारी एक रणनीति बैठक थी, तैयारी बैठक थी। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई, CYSS, हमारी यूथ विंग और तमाम जो फ्रंटल हैं, हम लोग मजबूती से इस सरकार से दो दो हाथ करने का काम करेंगे और इनको तब तक चैन से नहीं सोने देंगे जब तक उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का भला नहीं हो जाता। आप बता दें, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवीश खान है। किस पद पर? जी, आम आदमी पार्टी में हैं आप? जी, मैं आम आदमी पार्टी में महिला जिला अध्यक्ष हूँ। आम आदमी पार्टी में महिला जिला अध्यक्ष। हाथरस की जो घटना हुई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पर हाथरस की घटना जो हुई है, मैं उस पर ये कहना चाहती हूँ कि योगी सरकार में जो महिला असुरक्षित है और बुरी तरीके से असुरक्षित है, एक तो असुरक्षित होता है लेकिन एक बुरी तरीके से होता है कि आज जो अपने घरों से निकलते हुए एक महिला और छोटी छोटी बच्चियां जो डर रही हैं निकलते हुए, अपने महिला होने पे एक अफसोस जाहिर कर रही हैं, क्योंकि जो दलित समाज की एक बेटी थी हमारी बहन मनीषा, उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। उस पहले तो उसका मतलब रेप किया गया, फिर उसके साथ जो मतलब दरिंदगी करी है उन चार आरोपियों ने, वो बहुत ही गलत किया गया है। और ये कब तक होता रहेगा? हमारे देश की महिलाएं या हम लोग कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? इसलिए मैं सारी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अब जुल्म बहुत बर्दाश्त ऊपर हो चुका है, अब अपने घरों से निकलो और हर एक महिला को झांसी की रानी बननी चाहिए और अपनी सुरक्षा अपने आप करनी चाहिए। इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए जब घर से निकले तो कोई ना कोई चीज़ लेकर निकले कि वो अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकें, लेकिन सरकार के भरोसे नहीं बैठे, क्योंकि योगी सरकार जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल चुका हैगा और हमें इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना हैगा। इसीलिए मैं योगी सरकार से कहना चाहती हूँ, जो उन्होंने आँखें बंद कर रखी हैं, वो सोए बैठे हैं, उन्हें अपनी आँखें खोलना चाहिए कि अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और जंगल राज नहीं चलेगा। हर महिला, हर युवा सड़कों पर उतर आया और हम इसका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। जब हम मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, हम आरोपियों को अब जलाना शुरू करेंगे, जब तक फिर ये बलात्कार खत्म होंगे, ऐसे खत्म नहीं होगा ये बलात्कार। योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कह रही है, एंटी रोमियो टीम का गठन किया गया है सुरक्षा के लिए, ये सिर्फ एक नारा है और सिर्फ एक दिखावा है। देश की तस्वीर कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। दीमक की तरह देश को खोखला कर चुकी है योगी सरकार और सिर्फ एक नारेबाजी चल रही है और बस कुछ नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है? महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। पीछे कर लीजिए।
इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।